सरकारी स्कूल बोले ले ही आप मन कर दिमाग में कुछ चित्र नजर आए, जैसे एक बड़ा भवन, कई कक्षाएं, खेल मैदान आदि। लेकिन पलका गांव स्कूल कर बात कुछ और ही है। ये उदयपुर ब्लॉक पलका गांव कर माध्यमिक स्कूल हवे, जिला घर में चलाए जाते हैं, जहां छठवीं, सातवीं और आठवीं तीन कक्षा पर सिर्फ दो ही रूम हवे। ये स्कूल में चार शिक्षक, 38 बच्चे हैं और ये सबो जन भर एक एक ब्लैक बोर्ड हवे। न तो बेंच हवे, न ही दरी, न पानी कर सुविधा हवे, न बिजली कर, न शौचालय हवे, न खेल मैदान। ये स्कूल नहीं, स्कूल कर नाम पर अंधेर कोठरी हवे। सबसे बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को आँख में जोर दे के पढ़ना पड़ता है, खिड़की नहीं है जिसकी वजह से अंधेरा अंधेरा रूम रहता है ना। अब व्यवस्था दिए हैं तो हम लोग अब करते हैं एडजस्ट। जैसे स्कूल में क्या क्या परेशानियाँ होती है? पढ़ते रहते हैं तो एक रूम में दो क्लास वाले पढ़ते हैं, तो एक तरफ एक मैडम पढ़ाती है, एक तरफ एक मैडम, तो दूसरे का आवाज का परेशानी होती है। बैठने का भी नहीं, बोरी पकड़ पकड़ कर लाते हैं और टाट पट्टी भी नहीं है, छोटा छोटा है तो नहीं पूरता है। हाँ, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है और दो दो टीचर लेडीज हैं यहाँ, तो बाथरूम की सुविधा भी नहीं है। पंचायत के मद से बनवा दिया गया है एक छोटा सा बाथरूम और चारों तरफ से रास्ता है, यहाँ पर खुला बाथरूम है और एक ही है, तो इतने बच्चों के लिए जो 10 मिनट की रिसेस होती है तो बच्चों को भी परेशानी होती है, इसमें टीचरों को भी परेशानी होती है। स्कूल भवन ना होना ही ये सब समस्याओं का कारण हो। आवाज जानथन की भवन निर्माण काबर नहीं हुआ था। वो सर, हम लोगों का जो माध्यमिक सारा साला जो है बनने वाला है, वो कब का हम लोग की नियुक्ति हुई है 2010 में, तब से हम लोग देख रहे हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। अब वो सुनने में आता है कि हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, ऐसे सुनने में आता है। 9/11/2009 को आया हूँ, तब से वो जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो अब तक है, लेकिन वो किस कारण से मतलब अधूरा पड़ा है ये मैं बता नहीं पाऊंगा। लगभग 10 साल ये भवन निर्माण पर हाई कोर्ट द्वारा ले स्टे लगी सोए। आवा भूतपूर्व सरपंच ले जानथन कि भवन निर्माण काबर नहीं हुई सोए। ज्ञान ज्योति स्कूल बिल्डिंग जबकि दूसरे की घर में लगत रही, अमर साय की, अमर साय काबुल इसकी नहीं कि अब बरसात हो गई तो ते मुल किराया दे चाहे दूसरे यहाँ ते व्यवस्था दे। ऐसे कही तो जो है मैं जो है हर्रा पारा स्कूल बिल्डिंग के पैसा ला लेके नहीं जो है ज्ञान ज्योति ला पूर्ण कर दे, और पूर्ण करे नौकर बाद मुला एक किस्त पैसा मिली रही तो फिर दूसरा किस्त पैसा ला दूसरे कोई खाए दी, और जो है मुला रिकवरी भरना पड़ा थे। हर्रा पारा कर पैसा सूली स्टार्ट, नहीं तो सीधे जेल, नहीं तो पैसा सूली, ऐसे जो है शासन करते तो जो है एक अधूरा रहेगी हर्रा पारा के। सर, स्कूल के लिए आवेदन किया गया था क्या? इसके लिए मैं आवेदन बीओ के माध्यम से कलेक्टर तक भेजा था, लेकिन अब क्या स्थिति, आज बनेगी कल बनेगी, मैं सरपंच से भी मिल के देखा और BDC तक है ना, वहाँ तक भी बात को फैलाया, तो उन्होंने भी कहा कि अब बनवा देंगे। सर्व शिक्षा अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, एकस न जाने कितना योजना सरकार द्वारा ले चलाए जाते, एकर बावजूद आज भी गांव में शिक्षा कर ये स्थिति हवे। सोचिए लड़का मन कर भविष्य कैसे हो। मैं दिनेश कुमार फैकरा, संगवारी खबरिया। अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के संबंध में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी अथवा सूचना हमें अवश्य दें। हमारा नंबर है 8435300106 और 8358902305।